तो अब हम अगला लेसन पढ़ेंगे जो हमारी मल्टीपल एल बॉल, इसी तरह से हैन, नीचे सारे ऐसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। एच फॉर हैन, हैन मींस मुर्गी, एच ई एन हैन। इसी तरह से यू फॉर अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई एल एल ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मींस छाता। इसी तरह से ये सारे आपने पढ़ने हैं और इसी तरह से नंबर्स बताए थे आपको। ओ एन ई वन, वन मीन्स एक। इसी तरह से सारे ये पढ़कर 16 मान लीजिए। एस आई एक्स टी ई ई एन 16 मीन्स 16। 20 टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 मीन्स 20। तो ये यहाँ तक एक्सरसाइज मैंने दी थी, तो ये आपने करके भेजनी थी। तो अब हम पढ़ेंगे कॉमनली यूज वर्ड्स, जो हम वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने हर रोज़ जो हम काम करते हैं उसमें ये वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं। तो इसमें से ये बुक तो है, बुक आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको याद कीजिए सारे को। तो मैं कुछ आपको पढ़ कर दिखा रहा हूँ। तो जैसे डेज ऑफ द वीक, देर आर 7 डेज इन ए वीक। एस यू एन डी ए वाई संडे, संडे मीन्स रविवार। एम ओ एन डी ए वाई मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेनसडे, वेनसडे मीन्स बुधवार। टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे, थर्सडे मीन्स वीरवार। फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। तो इस तरह से ये आपने याद करने हैं। और जब भी आप बात करें तो किसी को मान लीजिए आपने कहना है कि मैं मंगलवार को वहाँ आऊँगा या आऊँगी, तो आपने इसको कहना है मैं ट्यूसडे को वहाँ आऊँगा या आऊँगी, ऐसे कहना, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने बोलने, ताकि हमें इंग्लिश बोलने की आदत जल्दी से जल्दी पड़े, हम जो भी बात करें इंग्लिश में ही करें। तो अभी आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, तो हमने अभी वर्ड्स बोलने शुरू करने। तो इसी तरह से मंथ्स ऑफ द ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। महीने, साल के महीने, 12 महीने एक साल में होते हैं। इस तरह से एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये सारे स्पेलिंग्स आपने याद करने हैं, जैसे वीक के भी, ईयर के भी, मंथ्स के भी, ये सारे आपने याद करने हैं। तो जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, जनवरी मीन्स जनवरी। एफ ई बी आर यू ए आर वाई फेब्रुअरी, 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 फेब्रुअरी मीन्स फरवरी। एम ए आर सी एच मार्च, मार्च मीन्स मार्च। ए पी आर आई एल अप्रैल, अप्रैल मीन्स अप्रैल। एम ए वाई मे, मे मीन्स मई। जे यू एन ई जून, जून मीन्स जून। जे यू एल वाई जुलाई, जुलाई मीन्स जुलाई। अगस्त, ए यू जी यू एस टी अगस्त, अगस्त मीन्स अगस्त। एस ई पी टी ई एम बी ई आर सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर मीन्स सेप्टेम्बर, सितंबर भी कहते हैं। ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर, अक्टूबर मीन्स अक्टूबर। एन ओ वी एम एन ओ वी एम बी ई आर नवम्बर, नवम्बर मीन्स नवम्बर। डी ई सी ई एम बी ई आर डिसम्बर, डिसम्बर मीन्स दिसंबर। तो इस तरह से आपने बोल बोल कर याद करना। इसको बुक को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ ये डाउनलोड का बटन आएगा, जब आप इसको बुक के क्लिक करेंगे तो ये वाला जो डाउन एरो है इसको करेंगे डाउनलोड, तो आपके ये कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। उसको मार्केट में जाकर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो आपकी वो बुक बन जाएगी जिसको आप हर रोज़ खोल कर उसमें से ये सब्जेक्ट्स सीख सकते हैं। तो इसी तरह से आप कलर्स, सी ओ एल ओ आर एस, कलर्स के स्पेलिंग सी ओ एल ओ यू आर एस भी होते हैं, लेकिन ये है अमेरिकन इंग्लिश, तो इसमें कलर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। हेयर आर सम ऑफ द कॉमन कलर्स, जो काफ़ी यूज होते हैं कलर्स, वो ये हैं। आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल। जी आर ई ई एन ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। बी एल यू ई ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। डब्ल्यू एच आई टी ई, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट मीन्स सफ़ेद। पिंक,
PINK पिंक, पिंक मीन्स गुलाबी, YELLOW येलो, येलो मीन्स पीला, BLACK ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरी, BROWN ब्राउन, ब्राउन मीन्स भूरा, PURPLE पर्पल, पर्पल मीन्स बैंगनी। तो ये कुछ रेनबो के कलर्स हैं। जब बारिश होती है तो उसके बाद आसमान में एक रंगीला रेनबो बन जाता है, उसको कहते हैं इंद्रधनुष। तो उसमें जो रंग होते हैं वो ये हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये रंग दिखाए भी हुए हैं यहाँ पर आपके पास। अगर प्रिंट करवाएंगे तो हो सकता है आपके पास ब्लैक एंड वाइट आए, लेकिन आप जब इसको अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर देखेंगे तो ये ऐसे ठीक नज़र आएंगे कलर्स। तो इसी तरह से अब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो आदमी के शरीर के अंग होते हैं उनका, तो ऐसे सबको आपने पढ़ना है। हेयर, HAIR, हेयर, हेयर मीन्स बाल, बाल ये जो सिर पर होते हैं बाल। तो इसी तरह से हेड, फोर हेड, हेड मीन्स सिर, फोर हेड मीन्स माथा, आईज आंखें, ईयर्स कान, नोज नाक, माउथ मुंह, टूथ या टीथ, दांत, टंग जुबान, लिप्स होंठ, चीक्स गाल, चिन ठोड़ी, इसको क्या बोलते हैं चिन, जो ये लिप्स के नीचे होती है, फेस फेस चेहरा, नेक गर्दन, आर्म्स बाहें, एल्बोस कोहनी, हैंड्स हाथ, फिंगर्स उंगलियां, थंब अंगूठा, पाम्स हथेली, शोल्डर्स कंधे, स्टमक पेट, बैक पीठ, लेग्स टांगे, नीज घुटने, एंकल्स एंकल जो पैर के नीचे होते हैं उसको जो भी कहते हैं, फुट एंड फीट पैर, हील्स जो पैर के पिछले वाला पार्ट होता है हील्स, टोस जो पैर के आगे वाला पार्ट होता है, नेल्स नाखून, वेस कमर, आईब्रोज जो ये हमारे आँखों के ऊपर होती हैं बाल आईब्रोज, आईलिड जिसको हम पलक पलक कहते हैं झपकते हैं ना जो पलक वो, नॉस्ट्रिल्स नाक, नाक के सुराख, थ्रोट गला जिसमें से हमारा खाना अंदर निकलता है थ्रोट, इस तरह बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियाँ। तो इसी तरह से ये आपने सारे पढ़ने हैं, जो नहीं समझ आएगा वो मेरे से आपने पूछ लेना है। तो इसमें और क्या क्या है, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो वेजिटेबल्स के नाम है, फिर है नेम्स ऑफ ड्रेसेस, आपने ऐसे ही पढ़कर इनको याद करना है, ड्रेसेस जो हम पहनते हैं वो है, फिर ट्रांसपोर्ट मीन्स, और ट्रांसपोर्ट मीन्स जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर गेम्स कुछ पॉपुलर जो गेम्स हैं खेल हैं वो हैं, डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन मीन्स दिशाएँ, सीजन्स जो मौसम होते हैं, इस तरह से रिलेशंस फादर मदर जो हैं हमारे रिलेशंस में होते हैं, प्रोफेशंस जो हम काम करते हैं, यूनिट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक टाइम में कितनी ड्यूरेशन का मतलब है कितना लंबा होता है, सेकंड कितना लंबा होता है, मिनट जो होता है उसको नापने के, टाइम को नापने के ये यूनिट्स हैं, सेकंड होता है, मिनट्स होता है, आर होता है, डे वीक मंथ ईयर डिकेड सेंचुरी मिलेनियम। तो ये इसको आपने याद करना। तो उसके बाद है एवरीडे टाइम पीरियड, सुबह मॉर्निंग नून या मिड डे, दोपहर, दोपहर के बाद आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिडनाइट, डेज। मैं इसको वर्ड्स को इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि वर्ड जो हैं हमें सारी ज़िंदगी सीखने पड़ते हैं, तो अगर आपको इस स्टेज के ऊपर कुछ कम भी वर्ड्स आएंगे तो कोई बात नहीं, हमने जल्दी से जल्दी सेंटेंसेस के ऊपर पहुंचना है, रूल्स के ऊपर पहुंचना है, इसलिए मैं इन वर्ड्स को जल्दी, लेकिन आपने इसको घर में बैठकर पूरी तरह से याद करना है। तो इसको ऐसे जो नहीं समझ आएगा वो आप मेरे को लिख सकते हैं कि ये हमें समझ नहीं आया, या फ़ोन भी कर सकते हैं। टाइम बाय आर वॉच, घड़ी के ऊपर जो टाइम होता है
उसको किस किस तरह से हम बोलते हैं, क्वार्टर पास, क्वार्टर टू, हाफ पास, मिनट्स पास, मिनट्स टू और आवर्स मिनट्स। एएम जो होता है वो सुबह से पहले यानी कि नून से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एएम, एंटी मेरिडियम या पीएम, पोस्ट मेरिडियम जो 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है। एनवायरनमेंट, इस तरह से ये वाले सारे याद करने हैं, अर्थ, सन, मून, स्काई, स्टार्स, मार्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, सी, एयर, वाटर। तो अब ये यहाँ तक हो गया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा सेंटेंसेस के जो ग्रामर के रूल्स आएंगे उसमें ये काफ़ी यूज़ होगा। तो इसलिए ये ऊपर वाले वर्ड आप धीरे धीरे सीखते रहिए। इस वक्त तक अगर आपको पूरे वर्ड्स नहीं भी आते तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये जो हैं एक्शंस वाले वर्ड्स हैं इससे जो ग्रामर के रूल्स, सेंटेंस बनाने के रूल्स हैं वो उसमें ये बहुत यूज़ होंगे। तो इसलिए ये कम से कम ये सीख लीजिए, ये कुछ दिए हुए हैं इनको सीख लीजिए ताकि जब हम सेंटेंस बनाएं तो आपको इतने वर्ड्स आते हों। तो ईट, ई ए टी, सीखना आपने सारा वैसे ही है ऊंचा ऊंचा बोलकर, ई ए टी, ईट, ईट मीन्स खाना, डी आर आई एन के, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। तो इस तरह सारे आपने पढ़ने हैं। प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिंग गाना, स्विम तैरना, वीप रोना, क्राई चिल्लाना, लाफ हंसना, मेक बनाना, डू करना, वर्क काम करना, स्टे रुकना, मूव चलना, वॉच देखना, सी देखना, थ्रो फेंकना, क्लीन साफ करना, वॉश, ये सारे एक्शंस हैं यानी कि जिससे हम काम करते हैं। ये सारे जितने मैं बोल रहा हूँ आप देखिए इसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, वॉश धोना, एक्ट काम करना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, लिसन सुनना, स्पीक बोलना, टेल बताना, नो जानना, गेट पाना, गिव देना, टेक लेना, बाय खरीदना, सेल बेचना, ट्रैवल यात्रा करना, विजिट किसी दूसरी जगह पर जाना, क्रिएट बनाना, ड्रा निकालना, निकालना भी हो सकता है या ड्राइंग को भी ड्रा कहते हैं, बनाना ड्राइंग को अगर कहें तो ड्रा। तो ये सारे वर्ड सीखने के बाद आपने अपने जो हर रोज़ आप बोलते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आप वर्ड सीखे हैं वो आप बोलने शुरू कीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैं रीड कर रहा हूँ। अगर आपको इस वक्त, वैसे तो हम कहेंगे आई एम रीडिंग, लेकिन अभी आपको आई एम रीडिंग जो है इसमें ग्रामर रूल्स यूज़ हुए हैं इंग्लिश के वो अभी आपको नहीं आते, तो अभी आप हिंदी में बोल सकते हैं कि मैं रीड कर रहा हूँ, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ बोलना है तो मैं ईट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं बोल पाएंगे, आई एम गोइंग ही कहना पड़ेगा इसमें। तो मैं ले रहा हूँ, मैं टेक कर रहा हूँ। तो ये सारे इसको आपने, अगर आपने सब्जी खरीद रहे हैं तो मैं सब्जी बाय कर रहा हूँ, बाय, बी यू वाई, बाय, ठीक है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस तरह से इंग्लिश आपने बोलनी। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज आ गई, तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या है, राइट अल्टरनेट डेज ऑफ द वीक बिगनिंग विद संडे, संडे से शुरू करके, अल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर। तो आपने पहले लिखना है संडे, फिर मंडे को छोड़ देना है, फिर ट्यूसडे लिखना है। ये आपकी रीइंफोर्समेंट है, जो आपने ऊपर सीखा है उसको अच्छी तरह से सीखने के लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। तो संडे के बाद आप लिखेंगे मंडे को छोड़कर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे थर्सडे, फिर फ्राइडे को छोड़कर सैटरडे। तो राइट्स मंथ्स ऑफ द ईयर दैट हैव मोर देन फोर लेटर्स, उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें चार लेटर से ज़्यादा हैं। तो पहला जनवरी है, तो जनवरी हम लिखेंगे, इसके चार लेटर्स से ज़्यादा हैं क्योंकि जे ए एन यू ए आर वाई, तो इसमें आठ है, सात है, तो जे ए एन यू ए आर वाई सात, तो चार से ज़्यादा हो गए तो इसको हमने लिखना है। फरवरी को भी लिखना है, मार्च को भी लिखना है, वो भी चार से ज़्यादा है, अप्रैल को लिखना है, पाँच है, मई को नहीं लिखना क्योंकि वो चार से कम है, तो इस तरह से लिखना है।
राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स दैट अपीयर इन अ रेनबो, जो मैंने ऊपर आपको कलर्स दिखाए हैं उनके कलर्स के नाम लिखने हैं आपने बिना देखे, उसको याद कर लीजिए, फिर अब बिना देखे ही एक्सरसाइजेस करनी है. राइट द नेम्स ऑफ फाइव बॉडी पार्ट्स दैट अपीयर अबव योर वेस्ट, यानी कि आपकी कमर के ऊपर वाले पांच जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं. तो इसमें हम जैसे हेड लिख सकते हैं, आइज लिख सकते हैं, लिप्स लिख सकते हैं, लेकिन फीट नहीं लिख सकते क्योंकि वो वेस्ट से कमर से नीचे. तो ऐसे ही राइट नेम्स ऑफ फाइव बॉडी पार्ट्स दैट अपीयर बिलो योर वेस्ट, तो अब वेस्ट से नीचे जो पांच बॉडी पार्ट्स हैं वो लिखने हैं. उसमें हम नी लिख सकते हैं, एंकल लिख सकते हैं, लेग्स लिख सकते हैं, फीट लिख सकते हैं, तो टोज लिख सकते हैं, ये सारे हम पांच लिख सकते हैं. थ्री ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स के अब हमने नाम लिखने हैं जो ऊपर आपने वेजिटेबल, इस तरह से जो वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर उगती हैं उनके ऊपर से पढ़ लीजिए, वो आपको पता होगा कि प्लांट्स के ऊपर कौन कौन सी वेजिटेबल, जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल जो बैंगन होता है तो वो प्लांट के ऊपर उगता है, तो उसको हम लिखेंगे ब्रिंजल. ठीक है. फाइव व्हीकल्स दैट रन ऑन रोड, तो इस तरह से आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ऊपर पढ़े हैं, पांच ऐसी व्हीकल्स के नाम बताने हैं जो रोड के ऊपर, जैसे बस, कार, बाइसिकल, ऐसे ये पांच के नाम बताने हैं. थ्री आउटडोर गेम, जो बाहर हम खेलते हैं गेम्स, उन तीन आउटडोर गेम्स के ऊपर सब आपने पढ़ा है. राइट द नेम्स ऑफ फाइव फीमेल ड्रेसेस, जो औरतें डालती हैं ड्रेसेस, उन पांच ड्रेसेस के नाम वो भी ऊपर लिखे हुए हैं. इन विच सीजन एन अम्ब्रेला इज यूज, तो ये सीजन आपने पढ़े हुए हैं, अब आपको पता होगा कि अम्ब्रेला किस सीजन में, छाता किस सीजन में यूज होता है, तो आप लिख सकते हैं रेनी सीजन. राइट द नेम्स ऑफ फाइव मेल रिलेशंस, मेल रिलेशंस आपने ऊपर पढ़े हैं वो उनके नाम लिखने हैं, जैसे फादर है, ग्रैंड फादर है, ब्रदर है, ये सारे मेल रिलेशंस है. मेल मीन्स आदमी, एम ए एल ई मेल. राइट फाइव प्रोफेशन दैट हैव सिक्स लेटर्स इन देयर नेम, तो ऊपर जो आपने प्रोफेशन, जो हम काम करते हैं उनके सिक्स लेटर्स, लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, ये सारे लेटर्स हैं, जो छः से ज़्यादा उनके नाम लिखने हैं. वर्ड्स ऑफ टू टाइम पीरियड्स व्हेन इट इज़ डार्क आउटसाइड, दो टाइम पीरियड्स के नाम लिखने हैं जब बाहर अंधेरा होता है, तो वो आपने ऊपर से पढ़ना है. तो वो हमने टाइम पीरियड्स बताए हुए हैं, जैसे ऊपर लिखा था मॉर्निंग, मिड डे, नून, आफ्टरनून, ऐसे इवनिंग, नाइट, ये जो है वो आपने लिखना है. व्हाट वाज द डे यस्टरडे, तो अब आपने डेज ऑफ द वीक सारे पढ़े हुए हैं, आज देखिए कौन सा दिन है. आज जैसे संडे है, तो कल का, कल मींस यस्टरडे मींस जो बीत चुका कल है, तो उस में कौन सा दिन था, सैटरडे. तो ये आपका आंसर होगा, व्हाट वाज द डे यस्टरडे, सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे लिखना है. व्हाट इज द डे टुमारो, जो आने वाला कल है, तो कल कौन सा, आज जैसे संडे है तो कल मंडे होगा, तो आपने लिखना है एम ओ एन डी ए वाई. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसको कहते हैं आपकी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है, तो इसको ऐसे ही बोलना है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आपने घड़ी पर टाइम देख कर बोलना है इसको. जैसे मान लीजिए अभी साढ़े तीन हुए हैं, तो आपने बोलना है इट इज हाफ पास थ्री, हाफ पास थ्री. तो आप ये ऊपर लिखे हुए हैं, आपने सारे पढ़े हैं ऊपर, तो इसको अब ये बेसिक शेप्स हैं, इनको भी याद करना है. स्क्वायर, जिसकी चार साइड्स होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं. रेक्टेंगल, जिसकी दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं. सर्कल, जो ये गोला होता है सर्कल, तो उसके भी, ये सारे स्पेलिंग आपने याद करने हैं. और शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ऐसी शेप, ऐसे ही एलिप्स, तो ये अंडाकार, ट्रायंगल, त्रिभुज, डायमंड, डायमंड की तरह, जो मेरे को हिंदी में थोड़ा सा कम, मेरे को, मैं इंग्लिश में ज़्यादा काम करता हूँ, तो आप इसको स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ट्रायंगल, डायमंड, ऐसे इनकी शेप्स याद रखनी है और स्पेलिंग्स. एक्सरसाइज, राइट द नेम्स ऑफ शेप्स दैट डू नॉट हैव एनी स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होती है सीधी लाइन, तो अब इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है, इसमें ये सीधी लाइन है, इसमें नहीं है सीधी लाइन कोई नहीं, इसमें भी सीधी लाइन कोई नहीं है, तो आपका आंसर होगा सर्कल एंड एलिप्स. तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है. राइट द नेम ऑफ फोर साइडेड शेप्स इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो चार साइड्स में इक्वल साइड वाला स्क्वायर, तो ये आपने लिखना है स्क्वायर, इसमें चारों साइड्स इक्वल है. इसी तरह से
ये डायमंड, इसमें चारों साइड्स इक्वल है. राइट द नेम ऑफ फोर साइड शेप इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है. तो इसमें आमने सामने वाली रेक्टेंगल में तो आपका आंसर होगा रेक्टेंगल, आमने सामने वाली इक्वल है लेकिन सारी बराबर नहीं. तो दिस इज योर आंसर. सो दिस इज योर नेक्स्ट लेसन दैट वी हैव नाउ कंप्लीटेड. हमने अपना नेक्स्ट लेसन अब कंप्लीट कर लिया है. अब इसको आपने ऐसे ही पढ़ना है. मैं आपको कह रहा हूँ कि बुक जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करके हो सके तो प्रिंट करवा लीजिए, नहीं तो अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर बुक पढ़िए, तभी आपको समझ आएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो आज के लेसन में बस इतना ही. थैंक यू.